press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. What's up guys, this is Nikhil Nautiyal and welcome back to my channel. तो दोस्तों आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि कल जिम करते हुए मेरे पास एक लड़का आया जिसे जिम करते हुए 5 से 6 महीने हो चुके थे। तो वो मुझसे आके पूछता कि भैया मैं इतने टाइम से जिम कर रहा हूँ, डाइट भी अच्छी ले रहा हूँ, लेकिन मेरा मसल साइज और मेरा वेट जो है वो नहीं बढ़ रहा, तो मैं क्या करूँ, मैं वे प्रोटीन लूँ कि मास गेनर लूँ। दोस्तों उसको तो मैंने वहाँ पे समझा दिया था, लेकिन वो अकेला नहीं है जिसको इस चीज को लेकर डाउट रहता है। अक्सर देखा जाता है कि बहुत से लोग इस चीज को लेकर काफी कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें वे प्रोटीन लेना चाहिए या फिर मास गेनर। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक को कवर करूंगा कि आपको वे प्रोटीन लेना चाहिए या मास गेनर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि ये दोनों चीजें होती क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वे प्रोटीन की। जब हम मिल्क को प्रोसेस करते हैं तो उससे जो हमारा बाय प्रोडक्ट बचता है वो होता है हमारा वे, जो कि लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब जब हम इस लिक्विड फॉर्म को फैक्ट्रीज में फर्दर प्रोसेस करते हैं उससे ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो कि हमारा वे प्रोटीन अल्टीमेटली बन जाता है। अब अगर हम बात करें कि हमारे वे प्रोटीन सप्लीमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं, इस सप्लीमेंट में मेजरली हमारा प्रोटीन कंटेंट होता है और हमारा होता है फ्यू अमाउंट्स ऑफ कार्ब्स एंड फ्यू अमाउंट्स ऑफ फैट्स। अब वहीं अगर हम मास गेनर की बात करें तो मास गेनर एक्चुअली में हमारे वेट गेनर सप्लीमेंट होते हैं जिसमें प्रोटीन कंटेंट तो होता ही है, लेकिन इसमें साथ में हाई अमाउंट ऑफ कार्ब्स एंड हाई अमाउंट ऑफ फैट्स भी होते हैं, जिससे कि एक बंदे को ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज मिल सके। अब मास गेनर सप्लीमेंट में जो हमारा कार्ब्स एंड प्रोटीन का रेशियो होता है वो 2:1 या फिर 3:1 का रेशियो होता है, यानी कि अगर आपके सप्लीमेंट में 10 ग्राम प्रोटीन है तो उसमें या तो 20 या फिर 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि आपको जो कैलोरीज आपके मास गेनर से मिल रही है उसका जो कंटेंट है वो आपको ज्यादा से ज्यादा कार्ब से मिल रहा है। अब जैसा कि दोस्तों हमें वे प्रोटीन और मास गेनर दोनों के बारे में पता चल चुका है, चलिए सीधा आते हैं की पॉइंट्स पर। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है या आपको लीन और एस्थेटिक फिजिक चाहिए या आप अपनी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना चाहते हैं और फाइनली अगर आपको एक अच्छी हेल्थ चाहिए तो आप वे प्रोटीन को कंसीडर करें। वहीं दूसरी तरफ अगर आप अपना साइज बढ़ाना चाहते हैं या फिर आप अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं तो आप मास गेनर को कंसीडर करें। लेकिन एक बात आप जरूर ध्यान रखें कि मास गेनर में ज्यादा कैलोरीज होने की वजह से आपका पेट भी बाहर आ सकता है, तो मेक श्योर कि आप अच्छे से वर्कआउट भी करें। और दूसरी बात, आपको सिर्फ इन सप्लीमेंट्स के भरोसे नहीं रहना, आपको दोस्तों इसके साथ एक अच्छी डाइट भी फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप मेरी कोई डाइट फॉलो करना चाहते हैं तो आप ये लिंक चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन दोनों के लिए डाइट जो है फुल डे डाइट वो यहाँ पे लिंक कर दूंगा, आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आज आपका ये डाउट क्लियर हो चुका होगा कि आपको वे प्रोटीन लेना चाहिए या फिर मास गेनर। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए एंड चलिए एम करते हैं 10,000 लाइक्स के लिए। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर यूजफुल वीडियोस लाइक दिस। एंड दोस्तों अगर आप मेरे थ्रू और कोई वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन सी अपलोड करूँ। राइट देन, टिल देन स्टे ट्यून्ड टू निखिल नौटियाल फिटनेस एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन स्टे हेल्दी गाइज़।